हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट प्राइम नंबर्स। आज के इस लेक्चर में हम प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे और प्राइम नंबर्स को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ट्रिक्स जिससे हम प्राइम नंबर्स बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वॉट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर डिफाइंड एज द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इट्सेल्फ ओनली आर नोन एज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दो नेचुरल नंबर्स जो सिर्फ वन और उसके साथ ही डिविजिबल हों। सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 2. We can divide 2 by 1, we get 2. When we divide 2 by 2, we get 1. That means the number 2 is divisible by 1 and itself. That means it is a prime number. For example, we can take 4, a number. When we divide 4 by 1, we get 4. We can divide 4 by 2, we get 2. When we divide 4 by 4, we get 1. Instead of getting only 2 factors, we are getting 3 factors. So that means it is not a prime number. 4 is not a prime number. What are composite numbers? Composite numbers kya hote hain? The numbers which are divisible by 1 and itself, except they have another factor also, they are known as कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनका फैक्टर वो खुद और वन के अलावा एक और कोई फैक्टर हो, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे हमने 4 की एग्जांपल ली थी, इसमें 1 और 4 के अलावा 2 भी उसका एक फैक्टर था, तो वो प्राइम की बजाय एक कॉम्पोजिट नंबर था। नाउ लेट्स बिगिन विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। अब हम प्राइम नंबर्स के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इज वन अ प्राइम नंबर? एंड द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नॉट वन इज अ प्राइम नंबर? सो द आंसर इज, वी कैन डिवाइड वन ओनली बाय वन विच इज इक्वल टू वन। बट हमने अपनी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो वन और खुद से डिवाइड हो जाते हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर हो बनते हैं, पर इसमें वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है। दैट इज व्हाई प्राइम नंबर डज नॉट इंक्लूड वन। द सेकेंड क्वेश्चन इज 2 अ प्राइम नंबर? एंड द आंसर इज येस, 2 is a prime number because it can be divided by 1 and itself both, and we can say that it has 2 factors. That is why 2 is included in prime numbers. Now the third question is, which is the smallest prime number? The answer to this question is 2 is the smallest prime number. The next question is, which is the only even number which is also a prime number? And the answer is 2. 2 is an even number and it is a prime number. But now the question arises, why not other even numbers are the part of prime numbers? And the reason is because they all have more than 2 factors. We can take an example of a number 4. 4 is not a prime number because except 1 and itself, it can be divided by 2 also. And by the definition, we know that a prime numbers have only 2 factors, that is 1 and itself. But except 2 factors, 4 has another factor which is 2. That is why it is not a prime number. And all the other even numbers are not the part of prime numbers. Now the another question is, what is the largest 4-digit prime numbers? The answer is 9973 is the largest 4-digit prime number.
तो फ्रेंड्स, आज हमने इस लेक्चर में प्राइम नंबर्स के बारे में जाना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।